ओके वी आर बैक अगेन. फाइंड वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या करेंगे. पहले इसको इसकी नाम दे दो. ये वी वन है इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस वी टू है. ठीक है, इसमें मान लिया मैंने करंट आ रही है आई वन इस वाली इसमें, और इसमें फ्लो हो रही है आई टू. तो ये आई टू ऐसे भी आ रही होगी, यहाँ से ऐसे करके आ रही होगी. ठीक है, यही होगी आई टू. ये I1 यहाँ से ऐसा आ रही है. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये V0 इसके 8 ओम के अक्रॉस है, तो करंट कितनी फ्लो हो रही होगी इसमें, वोल्टेज अपॉन यानी V0 अपॉन 8 ओम, इतनी करंट फ्लो हो रही होगी इसमें. I1 यहाँ से ये जा रही, V0 बाय 8 भी जा रही है, तो यहाँ से टोटल करंट कितनी हो गई, ये दोनों जा रही हैं, यानी V0 बाय 8 प्लस I1. अब क्या करो, KVL लगाना, लेकिन एक बार ध्यान से देखो इसमें और देख लो, V0 बाय 8 आ रही थी इस वाले नोड पे, और I2 इसमें से इधर चली गई, तो कितनी बची इधर, V0 बाय 8 माइनस I2. बस KVL लगाओ. KVL कहाँ लगाना, आउटर लूप में, यानी कौन से में, हम ऐसा करके जाएंगे, ऐसा करके जाएंगे, ऐसा करके जाएंगे, ऐसा करके जाएंगे, बाहर बाहर लगाते आना है. ठीक है, और ऐसा आ जाएंगे. तो केवीएल लगाओ, पहले माइनस 60 एट एन एंगल ऑफ जीरो प्लस 4 वी नोट बाय 8 आई वन. यहाँ पे अगेन वी नोट आया, यहाँ पे 8 वी नोट बाय 8 माइनस आई टू इजिकल्स टू जीरो. इसमें 4 की मल्टीप्लाई करो, ये बचेगा वी नोट बाय 2, ये हो जाएगा 4 आई वन प्लस वी नोट, इस वाले की करो अंदर V0 माइनस 8 I2, ये 60 वाला जो मैं इसको इधर ले आया, तो इतना आ गया V0, V0 और V0 by 2, ये हो गया 5 V0 by 2, 4 I1 माइनस 8 I2 अपॉन 60. अब देखो यहाँ पे I1 और I2 में रिलेशन निकालो, यहाँ से I1 अपॉन I2 निकालो. I1 अपॉन I2 जो होगा वो किसके इक्वल होता है, एन टू अपॉन एन वन के, यानी टू अपॉन वन. अब यहाँ पे देखना ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. ठीक है, तो I1 एंटर कर रही है और I2 लीप कर रही है. देखो यहाँ से I2 निकल रही है, I1 एंटर कर रही है. जब एक एंटर करे, जब दूसरी लीप करे, तो साइन क्या आता है यहाँ पे, पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव. यहाँ से वैल्यू निकाल लो I1 की, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू I2. ये I1 की वैल्यू आई, इसमें लगा दो यहाँ पे 5 V0 बाय 2 4 2 I2 माइनस 8 I2, तो ये हो जाएगा 5 V0 बाय 2 8 I2 माइनस 8 I2 जिकस टू 60 एट एन एंगल ऑफ 0 8 I2 से 8 I2 कैंसिल. अगेन 5 V0 बाय 2 जिकस टू 60 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. तो V0 कितना आ गया, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 5 एट एन एंगल ऑफ 0. तो V0 कितना आ जाएगा, 5 से ये 12 टाइम्स कैंसिल, 12 टू जा 24 इतने वोल्ट. ठीक है, ये था इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इससे आसान नहीं हो सकता. ठीक है, तो देखो कम से कम इक्वेशन बनी, कम से कम वेरिएबल यूज हुए, अगर बाहर वाले लूप में लगाएंगे. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इस वीडियो में इतना ही. ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ.